हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो लेक्चर पर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर देखो हमारी डिस्कशन लेना था इस यूनिट के मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ आज हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर सेकंड पे ओके बट देखो इस लेक्चर नंबर सेकंड को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया तो इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ तो रीजन ये है कि एक्चुअली मेरे एग्जाम थे तो मैंने एग्जाम की वजह से ये वीडियो को पॉज कर रखा था कि एग्जाम निपटते हैं तो मैं आपको वापस से लेके आती हूँ मतलब बट हुआ ये कि एग्जाम की थी थोड़ी सी एक्सटेंड जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया इस वजह से से मैं आपको वापस से वीडियो प्रोवाइड करा रही ठीक है तो अभी जितना टाइम है मैं आपको प्रोवाइड करा लूंगी मतलब इस यूनिट को तो मैं एटलीस्ट फिनिश करा लूंगी ठीक है तो अभी हम पर्टिकुलरली मतलब आगे की भी कराऊंगी बट एग्जाम की वजह से थोड़ा पॉज कर सकती हूँ ठीक है तो अभी हम आगे बात करते हैं हमारी लेक्चर नंबर सेकेंड पे जिसके अंदर हमने क्या बात करनी है हमारे

पहले थे आपके हंस गीकर दूसरे थे आपके जॉन नटल और इन दोनों ने जो रिसर्च की थी क्योंकि दोनों रिसर्चर थे इन्होंने जो रिसर्च की थी उसी के बेसिस पे इस लॉ का नाम इस रूल का नाम क्या पड़ गया था गीगल एंड नटल क्योंकि ये दोनों उसके क्या थे रिसर्चर थे ओके बट ये तो इनके रिसर्चर के नाम के बेसिस पे पड़ा बट इनका एक्चुअल रिलेशन क्या था ये दोनों कैसे रिलेट करते थे इन्होंने रिसर्च की इसलिए ये दोनों रिसर्चर है बट एक्चुअल में इनका रिलेशन क्या था देखो ये बोल रहे नाइनटीन इलेवन का टाइम था जब आपके एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे जिनका नाम था हंस गीगर और उनके एक स्टूडेंट थे जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिनका नाम था जॉन नटर ओके इन्होंने एक रिसर्च की कहा की रदरफोर्ड मैनचेस्टर लेबोरेटरी में इन्होंने एक रिसर्च की किस पे की अल्फा पार्टिकल पे की ठीक है वो भी अल्फा पार्टिकल पे क्या रिसर्च की इन्होंने ये देखा कि अलग अलग टाइप के जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसमें अल्फा एमिशन कैसा हो रहा है अल्फा डिके कैसा हो रहा है क्या रेंज बन रही है इन सारी चीजों को उन्होंने स्टडी किया फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो रेडियो अल्फा पार्टिकल की हेल्प से कैसे डिके हो रहा है कैसी रेंज है क्या एमिशन वगैरह हो रहा है इनको स्टडी किया था और उसी की स्टडी की वजह से इनको एक रिलेशनशिप देखने को मिला वो रिलेशनशिप क्या है वो मैं आगे बताऊंगी बट उसी रिलेशनशिप को ये लोग क्या बोलते हैं गीगर-नटल लॉ या फिर रूल ठीक है तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं गीगल नटल और रूल गीगल नटल लॉ और रूल क्या है ये बोलते हैं कि हमारे 1911 का टाइम था जो दो फिजिक्स के रिसर्चर थे एक थे फिजिक्स के प्रोफेसर हंस गीगर दूसरे उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉन नटल इन्होंने रदरफोर्ड मैनचेस्टर लेबोरेटरी में एक रिसर्च की थी ऑन अल्फा पार्टिकल और उसी की वजह से ये एक लॉ देते हैं एक रूल देते हैं उसी को बोलते हैं गीगल नटल लॉ और रूल ओके okay? अब ये रूल मैंने जैसे बोला ये लॉ क्या करता है देखो मैं एक ही चीज बोलूंगी लॉ बोलूंगी या रूल बोलूंगी कंफ्यूजन हो जा रहा है ठीक है तो इन्होंने क्या किया ना इन्होंने इस लॉकेट थ्रू क्या बताया एक रिलेशनशिप बताया जैसे मैंने आपको बोला तो जनरली क्या है कहीं एक रिलेशनशिप आप पढ़ते हैं कहीं दो पढ़ते हैं तो मैं आपको ये दोनों ही रिलेशनशिप यहां पर एक्सप्लेन कराऊंगी कि दो रिलेशनशिप इन्होंने क्या बताया तो देखो इन्होंने क्या किया ना इन्होंने दो वेरिएबल बोल दो वेरिएबल के बीच में क्या बताया रिलेशनशिप बताया और उस रिलेशनशिप की हेल्प से इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव कराई और एक कर्व का मतलब एक प्लॉट बनाया ठीक है एक ग्राफ टाइप का इन्होंने एक्सप्लेन किया ठीक है तो हुआ क्या देखो पहला रिलेशन इन्होंने किसके बीच में बनाया तो ये बोल रहा है देखो पहले पढ़ रहे ये बोल रहा है ये जो लॉ है गीगर नटल लॉ जो है ये क्या देता है गिव द रिलेशनशिप एक मिनट रुकेगा गिव द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में डिस इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट डिस इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट को आप डीके कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं तो इन्होंने डीके कॉन्स्टेंट जिसे आप लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप डिसगेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसका रिलेशनशिप बताया किसके साथ बताया रेंज के साथ बताया वो भी किसका अल्फा पार्टिकल दोनों अल्फा पार्टिकल है ठीक है ये बोल रहा है दिस लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कॉन्स्टेंट जिसे आप लैम्डा बोलते हैं ऑफ किसका अल्फा एमिटर एंड रेंज जिसे आप आर बोलते हैं ओके? Okay? यानी कि इन्होंने दो चीजों के बीच में रिलेशन बताया एक तो डिस या फिर डिके कॉन्स्टेंट जिसे आप बोलते हैं लेमडा और किसके बीच में रेंज के बीच में जिसे आप बोलते हैं आर ओके okay? वो भी किसके अल्फा पार्टिकल की एयर में ठीक है इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताया कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है उसके साथ साथ इन दोनों को रिलेट करने के साथ साथ इन्होंने इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन बताई और एक कर्व भी दिखाया ठीक है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी अभी जिस इतनी चीज कि किसके बीच में इन्होंने रिलेशनशिप बताया अब देखो ना एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो ये जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है ना आपने इलेवन ट्वेल्थ पे भी देखा होगा आप ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ठीक है तो ये फिजिक्स के अंदर ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है हमारे अंदर मतलब केमिस्ट्री के अंदर ही बहुत कहीं कहीं पर बहुत कम मटेरियल मिलेगा तो जो भी है अभी मैं आपको यहाँ पे एक जो टर्म समझाने वाली हूँ मे भी आपको पता हो ना पता हो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये वैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत रेयर दिया जाता है तो वो मत सोचेगा आप जिस जितना यहाँ पर आ रहा है उतने को पढ़ते रहिएगा ठीक है तो जैसे यहाँ पर बोला है कि जैसे आप अल्फा तो समझ गए कौन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट ये तो आपको पता है क्या होता है अल्फा तो आप समझ गए यहाँ पर रेंज का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है तो रफली हम रेंज को ऐसा बोल सकते हैं ना कि सपोज आपके पास जो अल्फा पार्टी अल्फा पार्टिकल की रिस्पेक्ट में बात करें ना तो ये बोल बोलो सपोज आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल है तो ये अल्फा पार्टिकल कहीं से आई तो होगी ना हवा से तो नहीं है। ये कहीं से आई होगी यानी कि इसका कुछ ना कुछ सोर्स होगा ठीक है तो ये बोल रहा है कि सपोज किसी बॉडी से क्या अल्फा पार्टिकल निकल रही है किसी सोर्स से वो बाहर निकल रही है तो जैसे ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी यानी कि ये अपनी एनर्जी को लॉस करते रहेगा जैसे जैसे बाहर आएगा वो उतना ज्यादा अपनी एनर्जी को क्या करते रहेगा लॉस करते रहेगा ठीक है तो लॉस करते करते क्या होगा एक टाइम पर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो यानी कि मिनिमम हो जाएगी तो पर जो ये डिफरेंस या फिर आप सकते हैं डिस्टेंस देखने को मिलता है इसी को बोला जाता है है रेंज ठीक या फिर आप बोल सकते हैं पेनिट्रेशन पावर कितना ज्यादा पेनिट्रेट करने की पावर है इसको भी हम रेंज बोल सकते हैं तो सिंपली आप रेंज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि, कि किसी बॉडी से आपकी अल्फा पार्टिकल निकला और अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते रहेगा तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते रहेगा तो एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम पर एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो यहां पे जो ये

और किसके बीच में एनर्जी स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लीजिएगा तो इन्होंने क्या किया इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप बताया कि टी हाफ यानी कि हाफ टाइम और स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करता है ये दोनों वैल्यूज भी आपस में कैसे रिलेट होती है और इसके लिए भी इन्होंने कर्व को प्लॉट किया देखो यहां पर लिखा है एंड प्लॉट अ कर्व करस्पोन्डिंग टू देयर रिलेशन यहां जो ये दो रिलेशन हम देख रहे हैं इनके करस्पोन्डिंग इन्होंने कर्व भी बनाया कुछ एक्सप्लेन किया ठीक है इतनी चीज क्लियर है कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं इतनी चीज क्लियर आई ना समझ में आ रहा तो ये दोनों चीजें क्या है आपको किसने बताई थी गीगल और नटल ने बताई थी और इन दोनों रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो लॉ दिया इन्होंने जो रूल दिया इसी को बोलते हैं गीगल नटल रूल और लॉ तो अभी जैसे ये चीज को माइंड पर रखिएगा कि कौन कौन से रिलेशनशिप बताए अब ये क्या बता रहे हैं क्यों ये रिलेशनशिप बताया एप्लीकेशन क्या वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी जैसे सुनिएगा इतनी चीजें क्लियर आई अब आगे बढ़ते हैं तो देखो पहले मैं आपको ये वाला रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रही हूँ देन हम दूसरे पे बात करेंगे ठीक है तो ये रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह ये देखा जाएगा तो मतलब सब लोग ये बढ़ाते हैं ये नहीं बढ़ाते हैं ठीक है तो ये रिलेशन से बोल रहा है, पहले हम इस पर बात करते हैं कि गीगल और नटल ने लेमडा यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और रेंज को कैसे रिलेट किया ठीक है तो इसके लिए आपको एक स्लाइड का जस्ट डेरिवेशन देखने को मिलेगा बाकी चीजें आप खुद कर लेंगे ठीक है तो डेरिवेशन को मैं आपको माइंड पे डालने के लिए दो स्टेप बताती हूँ कि ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया ठीक है तो पहले स्टेप में आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक्सपेरिमेंट के थ्रू गीगर ने सिर्फ गीगर ने यहाँ पर नटल नहीं आए थे इन्होंने बोला गीगर ने क्या रिलेट किया रिलेट द रेंज को किसके साथ रिलेट किया रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर विद द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ऑफ अ पार्टिकल ठीक है air, particle, इन्होंने क्या किया पार्टिकल की वी नॉट यानी कि इनिशियल एनर्जी को किसके साथ रिलेट किया रेंज के साथ रिलेट किया कैसे किया एक्सपेरिमेंटली किया ठीक है तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की वजह से गीगर ने रेंज को इनिशियल वेलोसिटी से रिलेट किया इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ये इक्वेशन हो गई ए इस इक्वेशन में इन्होंने इक, मतलब इक्वेशन इन्होंने क्या दी इन्होंने बोला आर इज इक्वल टू ए वी नॉट का क्यू ओके इसका मतलब इन्होंने बोला जो रेंज है वो किसके इक्वल है ए वी नॉट क्यूब ए यहां पर को क्या है ए है आपका कॉन्स्टेंट ठीक है जिसकी वैल्यू है, 10 24, okay? ये है आपका constant, ए आपका क्या है आपने सिंपली नहीं लिया वी नॉट का क्यूब लिया है ठीक है और वी नॉट यहाँ पर वैल्यू कितने में है एम एस में इनकी मीटर पर सेकेंड में है, और आर आपकी क्या हो गई रेंज हो गया तो इन्होंने रेंज को और वी नॉट को कैसे रिलेट किया इन्होंने बोला आर इज इक्वल टू ए वी नॉट का क्यू इन्होंने एक रिलेशन दिया एक्सपेरिमेंटली ठीक है अब क्या हुआ इस रिलेशन को इस लॉ को आप क्या बोलते हैं गीगल यहाँ नटल नहीं आए यहाँ जस्ट गीगल की बात है ठीक है इतना कर लेंगे ये हो गया पहला स्टेप आसान था दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया ये बोल रहे सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया द इंटरनल द इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन्होंने बोला

पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी के लिए ओके okay? अब बोल रहे यहां पर एम इजिकल टू मास ऑफ पार्टिकल हो गया अब बोल रहे इन्होंने क्या किया ना देखो ये दोनों इक्वेशन में आपको कुछ चीज बिल्कुल सेम मिलेगी एक चीज बिल्कुल सेम मिल रही है वो क्या वी नॉट और वी नॉट V0. यानी कि वी नॉट यहां भी है तो इन्होंने इक्वेशन A और इक्वेशन B को आपस में क्या करा दिया कंबाइन यानी कि यहां से इन्होंने क्या किया वी नॉट की वैल्यू को उठाया और यहां पुट कर दिया क्योंकि हमने रेंज के करस्पॉन्डिंग बात करनी है तो यहां से इन्होंने वी नॉट की वैल्यू निकाली और पुट कर दिया यहां पर तो जैसे आप पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी r is equal to 0 0.00318 e naught energy of in, initial energy of alpha particle ऊपर क्या हो जाएगा थ्री बाय टू पावर में क्या हो जाएगा थ्री बाई टू तो ये आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी जहां पर किसका रिलेशन हो रहा है रेंज और एनर्जी का रिलेशन हो रहा है रेंज और इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का रिलेशन हो रहा है इतनी चीज क्लियर आई और यहाँ पर जो ई नॉट है इसकी वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू आप निकालेंगे वो किस में निकालेंगे एम ईवी e, में निकालेंगे यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आप इसकी वैल्यू लेंगे इतनी चीज क्लियर आई तो बस यहाँ पर आपकी बात खत्म हो जाती है आप इतना कर लेंगे ये जस्ट सिंपल सी बात थी इतना कर लेंगे ना अब आगे देखो अब ये क्या बोल रहा है ठीक है अब देखो ये बोल रहा बाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ रेंज गिवन बाय द इक्वेशन एंड रिलेट देम विद द डिके कॉन्स्टेंट अब इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला यहां जो इन्होंने रेंज की जो ये वैल्यू निकाली है रेंज के लिए जो इन्होंने ये फॉर्मूला बना दिया इन्होंने

कि अगर आप रेंज का क्या करते हैं लॉग यानी कि लॉग आप क्या करते हैं ना रेंज को भी लॉग में लेते हैं लेमडा को भी लॉग में लेते हैं ठीक है थीके? तो ये बोल रहा है दे स्टेब्लिश दैट If the log of range r यानी कि आपने क्या किया अल्फा पार्टिकल का जो ये r था यानी कि रेंज था इसको आपने लॉन्ग में लिया लॉन्ग में नहीं सॉरी लॉग में लिया किसके अगेंस्ट लिया आपने इसे अगेंस्ट लिया लॉग ऑफ करस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ डी के कॉन्स्टेंट यानी कि लेमडा ठीक है लेमडा के साथ आपने इसे लॉग में लिया यानी कि एक बार आपने रेंज को लॉग में लिया और यहां पर लेमडा को भी लॉग में लिया यानी कि इन दोनों को क्या किया लॉग में लिया और इनके करस्पॉन्डिंग क्या किया एक ग्राफ प्लॉट किया तो आपको क्या देखने को मिला इस कर्व में ये जो आपको ग्राफ मिला इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली यानी कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको ऑप्टेन हुआ फॉर द रेडियोएक्टिव सीरीज यानी कि अलग-अलग टाइप -अलग की रेडियोएक्टिव सीरीज के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिला जब आपने रेंज और लैम्डा को रिलेट किया कैसे किया दोनों का लॉग लेते हुए कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करके सुनिएगा देखो आप क्या करेंगे ये समझ गए ठीक है पहला स्लाइड समझ गए दूसरे स्लाइड में मैंने आपको एक इक्वेशन निकालने दिखाई जो कि काफी आसान थी पहले आपने ये वाली इक्वेशन निकाली रेंज इज इकल टू ए वी नॉट का क्यू दूसरी इक्वेशन निकाली ई नॉट इज इकल टू हाफ एम वी वी नॉट का स्क्वायर ओके अब यहां से हमको वी नॉट को पुट करना था रेंज वाली वैल्यू में क्योंकि हमें रेंज चाहिए ठीक है तो हमने रेंज के लिए एक इक्वेशन निकाली रेंज इज इकल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री वन एट E0 की पावर ओके? Okay? अब इन्होंने क्या बोला कि जो कीगर थे इन्होंने इस रेंज को यहां जो रेंज आया इससे अब रिलेट किया लैमडा से यानी कि आपके डीके कॉन्स्टेंट से कैसे किया इन्होंने क्या किया रेंज का भी लॉक लिया और डीके कॉन्स्टेंट का भी लॉक लिया और इनके बीच में कर्व बनाया कर्व बनाने के बाद इनको क्या ऑब्जर्व हुआ एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिला यानी कि एक ऐसा ग्राफ इनको देखने को मिला जहां पर अलग अलग रेडियो एक्टिव सीरीज के एलिमेंट के लिए न्यूक्लियस के लिए नेचुरल ओके okay? एक स्ट्रेट स्ट्रेट कर्व कर्व आपको देखने को मिला, और देखने को को मिला मिला और यह बात इन्होंने यहां पर को किया और इसी स्ट्रेट कर्व को आप क्या बोलते हैं गीगर नटल का कर्व ओके okay? और इसी ये जो स्टेटमेंट थी इसी को बोलते हैं गीगर नटल लॉ अब ये बोलता क्या वो हम आगे को देखते हैं तो देखो इतना कर लेंगे तो देखो हुआ क्या अब बोल रहा है मैथमेटिकली दिस कैन बी रिटर्न क्योंकि देखो ये जो कव है आप देख सकते हैं लॉग लेमडा और लॉग आर के बीच में यहाँ पर लॉग आर है यहाँ पर लॉग लेमडा है इनके बीच में हमने अलग अलग टाइप की रेडियो एक्टिव सीरीज लिया है पहले हमने यूरेनियम की सीरीज लिया है दूसरे में हमने थेरियम की सीरीज लिया है तीसरे में हमने एक्टिनियम की सीरीज लिया तो है तो तीनों हमारे रेडियो एक्टिव सीरीज है इन तीनों के लिए जब हमने कर्व बनाया इनके एक्स को आ, आ, को सॉरी लॉग और लॉग आर को हमने रिलेट किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिला ओके और इस स्ट्रेट लाइन कर्व से जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमको मिली वो है लॉग लेमडा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपको दोनों का रिलेशन मिल रहा है किसका रिलेशन मिल रहा है लेमडा का किसके साथ आर का, यानी कि जितना ज्यादा लेमडा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे लेमडा इक्वल है आर के यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा आपका लेमडा होगा उतना ज्यादा आपका आर होगा यानी कि अगर आपने रेंज की वैल्यू निकाल ली एक्सपेरिमेंटली देखो आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं तो अगर आपने रेंज की वैल्यू निकाल दी तो आपको लेमडा की वैल्यू भी तो पता चल जाएगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि लॉग लेमडा जो है ना इसकी एप्लीकेशन यही बनती है कि यहाँ पे जो आपको ये लॉग लेमडा देखने को मिल रहा है ये किसके इक्वल है ए लॉग आर प्लस बी यानी कि ये सारी चीजें ए बी तो आपकी कॉन्स्टेंट होगी बट यहां पर को आपके पास क्या है लॉग आर और इस लॉग आर की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं तो अगर आपने किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए लॉग आर की वैल्यू निकाल दी बाई एक्सपेरिमेंट तो आप जैसे इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आप उसके लिए लॉग लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कि आप उसके लिए डिके कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं यानी कि आप ये बता सकते हैं कि कोई आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कब डिके करेगा ठीक है तो यहाँ पे प्रॉफिट मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा क्या बन जाता है एप्लीकेशन ये बन जाता है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है हमारे पास अगर हम उसके एक्सपेरिमेंटली रेंज की वैल्यू निकाल लें तो हम उसके लिए रेडियो एक्टिव डीके कब होने वाला उसका कॉन्सेंट की वैल्यू क्या है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो ये इक्वेशन जो है इसी को बोलते है, law, हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गीगल नटल लॉ इतनी चीज क्लियर है ना तो यहां तक आप समझे ना इनने कैसे रिलेट किया तो दोनों को जैसे इन्होंने रिलेट किया ना इनको एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिला और ये स्ट्रेट लाइन कर्व आपको क्या देखने को मिल रहा है अगर आप एक्टिनोइड की बात करें देखो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको एक मिनट रुकिएगा ठीक है देखो अगर मैं की बात करूं इस पॉइंट पे तो इस एक्टिनोइड के लिए आर की वैल्यू अभी यहाँ है और लॉग लेमडा की वैल्यू यहाँ पर ठीक है लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लेके चलू तो यहाँ पे क्या है लॉग लेमडा की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है और आर की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा है

लेमडा के साथ रिलेट किया लॉग में दोनों की वैल्यू लेते हुए तो इनको कर्व कुछ ऐसा देखने को मिला और इस कर्व से आप क्या ऑप्टेन कर सकते हैं जितना ज्यादा आपकी लॉग की वैल्यू बढ़ रही है उतनी ज्यादा आपकी आर की वैल्यू बढ़ रही है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर कर्व uh, के लिए जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी लॉग लेमडा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी यहाँ पर ए और बी आपके कॉन्स्टेंट है तो हमको क्या पता चला कि अगर हम यहाँ पर जिस आर की वैल्यू पुट कर दें तो हमें लॉग लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी तो आर तो हम एक्सपेरिमेंटली पुट कर सकते हैं

रिलेशनशिप बताया और रिलेशनशिप में भी आपको एक स्ट्रेट का तो, मतलब स्ट्रेट लाइन देखने को तो मिली बट ये स्ट्रेट लाइन आपको कुछ दूसरी बात बताती है क्या बताती है देखो इन्होंने इस स्ट्रेट लाइन से क्या देखा इन्होंने ये स्ट्रेट लाइन आप देखो यहाँ ये ऐसे जा रही थी यहां ये नीचे की ओर जा रही है इससे आपको क्या पता चला देखो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू ज्यादा है ठीक है देखो ये एक पॉइंट बना देती यहाँ पे ये आपके एक्टेनोइ सीरीज के ये आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है ठीक है बार बार थीडियम सीरीज के ये आपके यूरेनियम सीरीज के ठीक है तो हुआ क्या देखो मैं इस यूरेनियम सीरीज की बात करूं ये पॉइंट लेते हुए तो देखो हमको क्या देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे टी हाफ की वैल्यू इतनी है ठीक है तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे ठीक है और इस पॉइंट पे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू की वैल्यू यहाँ पे है तो टी हाफ की वैल्यू क्या है कम यानी कि जैसे जैसे आपकी टी हाफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे आपके डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है घटती जा रही है आप देख सकते प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू ठीक है जितनी ज्यादा डेल्टा क्यू की वैल्यू बढ़ रही है उतनी कम डेल्टा टी हाफ की वैल्यू हो रही है ठीक है तो इसके करस्पोन्डिंग इन्होंने क्या है एक इक्वेशन दिखाई जो की क्या है दोनों में लॉग लिया यानी कि लॉग टेन टी हाफ इज इक्वल टू ए प्लस बी जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यूके यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हाथ मतलब हाफ तो टाइम हो गया और ए और बी आपकी क्या हो गए कॉन्स्टेंट हो गए और जेड क्या है, Z है आपका एटमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लिया का एटमिक नंबर और क्यू हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल तो ये दूसरा रिलेशनशिप इन्होंने कुछ इस टाइप से दिखाई ये रिलेशनशिप आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा देखने वाला रिलेशनशिप ये है ठीक है यही आप एग्जाम्पल लिखते हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये दो रिलेशनशिप की बात जनरली गिगन नटर तो लॉ में बताई गई थी ठीक है तो ये समझ में आया और इस लॉ की हेल्प से इसका मतलब इसकी एप्लीकेशन आप क्या लिख सकते हैं एप्लीकेशन ये लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रेंज की वैल्यू एक्सपेरिमेंट ही पता चल गई तो आप लेमडा की वैल्यू यानी कि डीके कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर के लिए ठीक है तो इतनी चीज क्लियर आई तो बस ये था हमारा आसान सा टॉपिक गीगल नेटर लॉ तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे तो अब इस लेक्चर को यही पे फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय